वेलकम टू माय चैनल हैप्पी फंडास। आज मैं आपको पंजाबी वड़ी वाले चावल बनाना बताऊंगी। वड़ी अमृतसर के है ये, और इसमें बहुत मसाला होता है अंदर। तो मुझे एक ही वड़ी मिली तो मैंने सोचा एक ही सेव चावल बनाती हूँ, दो जनों के लिए तो काफी हो जाएगा। तो वड़ी तो चाहिए, साथ में प्याज कटा हुआ चाहिए, खड़े मसाले चाहिए, तेज पत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची और सिनेमन दालचीनी, तेल चाहिए। अगर आप प्योर घी में बनाना चाहते हैं तो आप प्योर घी में बनाइए, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। चावल तो बना रहे हैं तो चावल तो होना ही चाहिए ना, तो मैंने एक कटोरी चावल रखा है और इसको मैं अभी धो के भिगोने छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, और फिर हम तैयारी करेंगे चावल बनाने की। कढ़ाई ली है मैंने आज चावल बनाने के लिए, और इसमें मैं डालूंगी अंदाजन तेल। आप प्योर घी भी ले सकते हो। सबसे पहले मैं इस तेल में थोड़ा गर्म होने दूंगी और इस तेल में वड़ी डालूंगी। वड़ी को मेरे को इस तेल में भूनना है। क्यों भूनना है? ताकि वड़ी का जो अरोमा है, जो सुगंध है, वो इस तेल में आ जाए और पूरे चावल को महका दे। वड़ी को भूनना है, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के रख लूंगी। अगर ये वड़ी टूटती है तो अच्छी बात है, क्यों तो बहुत बड़ा साइज है ना, तो ये बाद में तो टूट ही जाएगी जब चावल में डालेंगे। मैंने वड़ी को निकाल के रख लिया है। जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च और बाकी खड़े मसाले, ये सब मैंने भून लिए और इनमें डाल दिया प्याज। प्याज को आप चलाते रहो ताकि प्याज जो है वो जले ना, फिर वो ब्राउन हो जाए। थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे जब प्याज, और कच्चापन निकल जाएगा, तो मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बारी है नमक और थोड़ी लाल मिर्च। लाल मिर्च आपका दिल करे डालो, मत नहीं दिल करे तो मत डालो। और चलाते रहो। अब इसमें वड़ी को भी डाल दो और थोड़ी देर चलाओ। एक कटोरी जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो डाल दिए और इसको ऊपर नीचे चला दिया। देखिए कलर कितना सुंदर आ रहा है।
इसको हमें ज्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ चलाना है। चला के अब क्योंकि एक कटोरी चावल है तो दुगना पानी पाना है, मतलब दूना पानी पा। तो जब ये दो कटोरी पानी है ये मैंने रख दिया और गैस को तेज कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना दूना पानी पा हड़बड़ हड़बड़ जद करे हेठो अग बुझा, मतलब नीचे से आग कब बुझानी है जब ये उबलने लगेगा। तो अभी तेज रखा है और जब ये थोड़ा उबाल आएगा तो मैं नीचे से मिनिमम कर दूंगी और कवर कर दूंगी। मिनिमम आंच पे ये राइस बनती रहेगी जब तक पूरा पक ना जाए और पानी बराबर सूख ना जाए। मैंने ढक्कन के ऊपर भी थोड़ा पानी डाला है ताकि चारों तरफ से सेक लगे चावल को। और अब मैं खोल के देखती हूँ क्या हाल है। वाव, बिल्कुल तैयार है। अभी मैंने क्या करना है, नीचे से आग बुझा देनी है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है और थोड़ी देर ढक के रखना है। चावल तैयार है। पूरा घर वड़ी वाले चावल की महक से महक गया है और कितने अच्छे बने हैं ये चावल। थोड़ा स्पाइसी तो है क्योंकि वड़ी ही बहुत स्पाइसी है। और इसको कैसे खाना है, दही रायता बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर हो सके इस वक्त अगर दिल करता है तो आप एक चम्मच प्योर घी ऊपर से डाल दो और ऊपर नीचे कर दो, आपके वड़ी वाले चावल तैयार। तो कैसा लगा ये, आप ट्राई करो। अमृतसर कोई भी जाता है ना वहां से पंजाबी वड़ी अमृतसर वाली मंगवा लेना। और एक वड़ी से अगर चार जनों का चावल बन जाता है तो आप मंगवा के बना के तो देखो क्या स्वाद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज अपर्णा घोष साइनिंग ऑफ।